मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर न्यू ब्लॉग। सो कल का फंक्शन ख़त्म होते होते शाम हो गई थी, मतलब दोपहर का ही प्रोग्राम था, बट लोग आते आते रात भी हो गई थी। कुछ लोग रात में भी आए थे। सो 9 बजे तक पूरा सभी खाना वाना खा के रूम में आ गए थे। एंड अभी जो है 4 बजे से उठ के हूँ, नींद नहीं आ रही है। तो पूरा मतलब साफ सफाई का दिन रहेगा। तो चलो इस ब्लॉग को यहीं से स्टार्ट करती हूँ। इधर माँ भी उठ गई है, मैक्सिमम लोग उठ गए हैं। घर में फंक्शन मतलब ढेर सारा मस्ती मजाक एंड ढेर सारा हैप्पीनेस, उसके साथ साथ आता है थकान मतलब टायर्डनेस। तो मस्ती रहेगी तो टायर्डनेस भी रहेगा। तो जिस दिन फंक्शन था उस दिन तो मस्ती मजाक में पूरा दिन बीत गया, बट नेक्स्ट डे जो है टायर्ड फील हो रहा था। तो देखो टायर्डनेस के साथ जो है लेजीनेस के साथ पूरा काम कर रही थी। एंड सच मानो तो इतना लेजीनेस फील हो रहा था ना कि ऐसा लग रहा था कि अभी फिर से सो जाऊँ। तो सो तो नहीं सकती अभी, बहुत सारा काम है। तो सभी सुबह से मतलब काम में लग गए हैं। एंड अभी मैं पूरा रूम वगैरह ठीक करके मतलब साफ़ सफाई करके आऊँगी फ्रेश होने के लिए। एंड उधर जो है चाय बनना चालू है, मामी वगैरह है उन्होंने जो है चाय बिठा दिया है एंड कुछ स्नैक्स भी आई थिंक फ्राई कर रहे हैं। तो चलो ये सब जल्दी से ठीक करके फ्रेश होके फिर चाय पी लेते हैं। उसके बाद भी बहुत सारा काम है एंड मामी वो लोग भी आज अभी मतलब चाय पी के निकल जाएंगे शायद से। तो चलो देखते हैं क्या क्या होता है एंड क्या क्या करना पड़ता है आज के दिन। चाय वाय पीने के बाद देखो आ गई हूँ यहाँ पे, बर्तन धो रही थी मम्मी तो वो घिस के दे रही थी। तो मैंने बोला कि चलो आप घिस के दो एंड मैं जो है धो के रखती हूँ। तो वही कर रहे थे। अभी ये सब करने के बाद जो है एक साथ नहा धो के ही निकलेंगे यहाँ से, नहीं तो पूरा साड़ी वगैरह खराब होगा। सारा मैंने तो सोचा कि सभी एक साथ नहा धो के फिर जाएंगे अंदर, फिर खाना वगैरह खाएंगे। तो मैं नहा के चली गई थी पूजा देने के लिए, फिर उसके बाद खाना खा के
ये देखो जो गिफ्ट्स मिला है वो देखने के लिए बैठे थे सभी। तो बहुत सारे गिफ्ट्स है यहाँ पे, मतलब एक एक करके दिखाना पॉसिबल नहीं है। एंड मम्मी भी चली जाएंगी आज शाम को, तो सोचा कि सभी एक साथ बैठ के देख लेते हैं। तो मैंने कुछ कुछ देखा था पहले, मतलब कल शाम कल रात को सॉरी कल रात को मैं और दो तीन जन बैठ के देख रहे थे, बट पूरा ऐसे ओपन करके नहीं देखा, ऐसे ऊपर ऊपर से देख रहे थे। तो आज जो है पूरा निकाल के देख रहे थे कि कैसा क्या है। तो बहुत सारे गिफ्ट्स है यहाँ पे, तो देखते देखते ऐसा मतलब टायर्ड फील हो रहा था, ये देखते देखते भी ऐसा लग रहा था कि क्यों इतने सारे क्यों है। एंड सभी के आंखों में जो है नींद आ रही थी अभी, मतलब सभी की आंखें ऐसे टिम टिम कर रही थी। तो अभी ये सब देख के फिर रख के सो जाएंगे। मतलब मम्मी तो देखो वहाँ पे लेटे लेटे ही देख रही है, एंड मेरी सासू माँ जो है उनको भी नींद आ रही थी, तो वो लोग देखते देखते इसी बेड पे सो गए थे यहाँ पे इस खटिया पे। एंड फिर मैं जो है पूरा जो सामान है वो सब इकट्ठा की, फिर अंदर रखी, उसके बाद जाके थोड़ी देर सोई हूँ। एंड कल रात को अच्छे से नींद नहीं आई थी, मतलब इतना कुछ हुआ तो वो सब माइंड में घूम रहा था, तो इसलिए अच्छे से नींद नहीं हुई। तो अभी थोड़ा सा सोऊंगी ताकि थोड़ा सा मतलब जो टायर्डनेस है वो चला जाए, एंड लेजीनेस है वो भी चला जाए। सो के देखो अभी उठ भी गई हूँ, 5 बज रहे होंगे, 5 की 5:30। तो अभी मम्मी के सामने थोड़ा सा बैठी हूँ, मम्मी अभी जाएंगी, मतलब घर जाने वाली है। तो मैंने बोला कि थोड़ा सा मसाज कर दो, बहुत दिनों से मम्मी के हाथ से तेल नहीं लगाया था अपने सर पे, तो अभी ये करवा के फिर जो है मम्मी भी चली जाएंगी। एंड उनके जाने के नाम से मुझे रोना भी आ रहा था।